साथ मैं डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुबारकबाद, और कल से चर्चाओं का विषय जो है वो गर्म हो गया है हर्ष जी, इस बात को लेकर कि राज्यसभा में तो जब आप आते हैं तो ऐसा चुनाव नहीं होता है जैसा लोकसभा चुनाव लगते हैं, कल तो वही स्थिति दिखाई दे रही थी हर्ष जी। बिल्कुल ऐसी स्थिति थी मैडम, ये मेरा जो चुनाव, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बना, और बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट रही, और हम तो 25 थे, वो 40 थे, 3 निर्दलीय थे। पर जब मैं उनसे विधायकों से मिलने गया एज अ वोटर, और मेरी उनसे अच्छी जान पहचान थी, मैं पहले कांग्रेस में 45 साल रहा हूँ और कई आदमी मेरे हाथ से खुद ग्रूम हुए हैं, तो जब मैं उनको मिलने गया तो उनमें इतना रोष और डिसग्रंटेड थे वो लोग अपनी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, और उनके ये सुक्कू सरकार एकदम फेलियर सरकार निकली कि 1.25 साल में ही उनकी जो जनता में, जनमानस में, उनके MLAs में, आगे वोटर्स में डिसकंटेंटमेंट होगी, पूरी तरह से निराश हो गए। अब MLA को तो मैडम जाना ही पड़ता है अपने वोटरों के पास, तभी MLA बन के आएगा। अगर उसके काम ही नहीं हो रहे हैं, उसकी जलीलित हो रही है, उसको जलील करके भेजे जा रहे हैं, उनको मिलने का टाइम नहीं, कोई काम करने का टाइम नहीं, कोई नीचे उनके चुनाव के क्षेत्रों में कोई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। हाँ। और यही रोना कि मेरे पास हमारी सरकार में पैसा नहीं है, नहीं, हमारी सरकार में तो बड़ा कम होता है किस्म का के आंकड़ा जो है वो जो सरकार चला रही है उस पार्टी के पास हो, लेकिन जीत जाए विपक्षी। आप वहां पर ऐसे जीते जिसकी शायद कल्पना बहुत कम होती है, एक इकलौती सीट, और आपने अभिषेक मनु सिंघवी से छीन ली वो भी। मैडम ऐसे है, कांग्रेस अब छीन भी हो चुकी है, अब देश में भी, प्रदेशों में भी, इनकी लीडरशिप क्राइसिस इतनी हो गई है कि पता ही नहीं है लीडर कौन है कांग्रेस का। खड़के साहब हैं कि राहुल जी हैं कि प्रियंका जी हैं कि सोनिया जी हैं कि KC वेणुगोपाल है, कोई पता ही नहीं है कौन है, कौन गो हेड करता कौन नहीं करता। ऐसे मुख्यमंत्री बना देते हैं जिसके पास 10 आदमी ना हो, जो मेजॉरिटी है उसको अवॉइड कर देते हैं। और इस वक्त तो कांग्रेस विधायक मेरे पास खुद आए कि हम इसके सरकार के अगेंस्ट वोट करेंगे। यहाँ हिमाचल एक छोटी स्टेट है, साफ सुथरी स्टेट है, यहाँ मतलब कोई ऐसी चीजें होती नहीं थी पहले। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग दबाव बना रहे हैं क्योंकि सत्ता में है तो पैसा आपके पास है, ED आपके पास है, CBI आपके पास है, पूरा का पूरा प्रशासनिक ताकत आपके पास है, और इसीलिए जो है आप इसी तरीके से सरकारें गिरा देते हैं और नई अपनी सरकार बना लेते हैं। ये बड़ा विपक्ष का आरोप है आप पर। जब कोई हार जाए मैडम तो यही आरोप लगाएगा, ये स्वाभाविक है कि कोई हारेगा तो कोई का ऑपरेशन लोटस चला हुआ है, कोई हारेगा कोई CBI का चला हुआ है, कोई कुछ भी करेगा तो ED का चला हुआ है। ये काम मैडम ये एक बहाना बन गया है, और इनकी अपनी पार्टी के इतने बुरे हाल है, गुटों में गुट, और एक CM की कुर्सी के पीछे 4-5 आदमी लगे, कोई डिसिप्लिन दाम की चीज़ ही नहीं है। आजकल जमाना है भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेतृत्व देखो आप, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, जो डिसीजन लेंगे वो डिसिप्लिन से। आप चुनाव जीते ऊपर तक और अब आप सत्ता के केंद्र में आ गए हैं, क्या BJP भी कल को हिमाचल में सत्ता चलाएगी? BJP ही सरकार बनाएगी, वो उनको इस वक्त कई MLA उनके उनके साथ कॉपरेशन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अपनी सरकार से दुखी हैं, वो दुखी हैं, सुक्खू सरकार से दुखी हैं, और किसी और को भी बनाएंगे तो एक तरफ एक गुट चलेगा, दूसरी तरफ दूसरा गुट चलेगा, तीसरी तरफ तीसरा चलेगा। अब सुक्खू को हटाएंगे तो किसको CM बनाएंगे? चार आदमी खड़े हो गए, 5 आदमी खड़े हो गए, हर आदमी CM बनना चाहता है, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है। नहीं, अब एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल हर्ष जी आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो जनता है उसने चुना कांग्रेस को है, और अगर आप वहां पर सरकार बना देंगे
तो फिर विपक्ष ये आप पर आरोप लगाएगा ना कि जनता ने चुना हमें और आप वहां पर अपने बल का इस्तेमाल करते हुए विधायक तोड़कर सत्ता चला रहे हैं। ऐसी है मैडम, बोलने को तो कुछ भी बोले हैं, पर आज जमीनी स्थिति ये है कि अगर चुनाव करा लिए जाएं तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50 से ऊपर सीटें लेके आएगी। आज ये पोजीशन है हिमाचल में, एक तो मोदी जी का नेतृत्व, ऊपर से कांग्रेस के फेलियर्स, ऊपर से लीडरशिप क्राइसिस इनका, और इस वक्त जो है कांग्रेस छिन भी नोड़ चुकी है, किसी भी दिन सरकार गिर जाएगी। अब स्पीकर जो है वो डिलीवरी टैक्टिक्स के डिस्क्वालीफाई कर दो, इसको सस्पेंड कर दो, हाँ। इसको ये कर दो, अल्टीमेटली तो जीत तो हो ही जाएगी, ये तो कोर्ट में जाएंगे हम, गवर्नर के पास जाएंगे। और संवैधानिक नव निर्वाचित आप भी राज्यसभा सांसद है, कितने कांग्रेस के एमएलए आपके संपर्क में हैं? एक नंबर आप दे सकते हैं और पक्के तौर पर कि वो आपके साथ आ जाएंगे और सत्ता आपको मिल जाएगी? मैडम यहाँ ग्रुपिज्म दो दो तीन तीन एमएलए का बन गया अलग अलग, और इस पर लगभग 10 एमएलए ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में हैं। हम लेंगे उतनी जो मेजोरिटी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। और आपके साथ आते ही वो सब पाक साफ हो जाएंगे, डिसिप्लिन हो जाएंगे? नहीं, हम तो इलेक्शन भी कराने को तैयार हैं, करें जो करना है, और जो आएंगे उनके ऊपर क्या हमारी उम्मीद होगी, क्या वैसा होगा, कोई बार्गेनिंग की बात नहीं है मैडम। हिमाचल ऐसी स्टेट नहीं है, हिमाचल देवी देवताओं की स्टेट है, यहाँ आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ये जो हुआ है कांग्रेस के कारण ही हुआ है। अच्छा, इनकी अपनी सरकार के कारण गांधी, राहुल गांधी के अलावा और खड़गे जी ये सरकार बचा नहीं पाएंगे? अब यहाँ कोई भी आ जाए, अभी डीके शिव कुमार जी आए हैं और पता नहीं उनके साथ कोई हुड्डा जी आए हैं, तो ये पहले भी आए थे, अब फिर ही आएंगे, इनके बाद एक और गुट तैयार हो जाएगा। इनके बस की बात नहीं, कांग्रेस पूरे देश में छिन्नभिन्न हो गई है, पूरे देश में इनकी लीडरशिप क्राइसिस हो गया है। लीडर कुछ और बोल रहे हैं, होता कुछ और है, नीचे जमीनी स्थिति कुछ और है। इनके नाम की पार्टी जो है वो डिसिप्लिन वाली पार्टी अब नहीं रही है। अब जो आप देखिए कौन लीडर ऐसा है, हाँ। अब कांग्रेस का जो इस पार्टी में रहना चाहता है, जड़ी लगी हुई है आज मध्य प्रदेश में और इसीलिए तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है ना कि आप पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि डिसिप्लिन नहीं है पार्टी में, खुशी नहीं है, और इसीलिए ये सारे के सारे एक के बाद एक छोड़कर आपके पास आ रहे हैं। हर्ष जी बहुत बहुत शुक्रिया। हर्ष महाजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, जो खुद एक नेता भी हैं, पिता भी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं देशराज महाजन, इनफैक्ट असेंबली में स्पीकर भी थे, और अब राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो बता रहे थे सरकार अब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की बनने वाली है।